नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल कांग्रेस में दोहराया जा रहा है इतिहास, पहले सुखराम और अब कौल को मात देकर आगे निकले वीरभद्र। आपसी खींचतान से हटकर सरकार पर हल्ला बोला कांग्रेसियों ने, पहले दिन चार्जशीट पर किया सदन से वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश में नहीं चल रहे लिविंग रिलेशनशिप के रिश्ते, महिला आयोग की अध्यक्षा ने किया बड़ा खुलासा। और मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में स्थापित हुआ 17वीं सदी में हाथ से लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहिब, दर्शनों को उमड़ा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर मंडी जिला को करारी मात देते हुए कुर्सी को छीन लिया है। इस बार कुर्सी छीनी गई है कौल सिंह ठाकुर से। गौर रहे कि ऐसा ही इतिहास वर्ष 1993 में भी दोहराया जा चुका है। फर्क इतना है कि तब मंडी से सुखराम थे और अब कौल सिंह ठाकुर है। इतिहास अपने को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 1993 में चुनावों के बाद विधायकों को संभाल न पाने से मंडी के पंडित सुखराम मुख्यमंत्री पद की दहलीज से लौटने को मजबूर हो गए और वीरभद्र के समर्थक विधायकों की जीत के आगे हाईकमान को झुकना पड़ा था। अब फिर से कुछ इसी तरह का दृश्य नजर आ रहा है। कौल के रूप में कांग्रेस के अंदर सत्ता में आने पर कुछ संभावनाएं मंडी के लोगों को दिखने लगी थी, मगर इन संभावनाओं पर वीरभद्र सिंह ने समय से पहले ही ब्रेक लगा दी। मैंने कभी सीएम की दायरेदारी नहीं की है, मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ, होता वही है जो मुझे खुदा होता है, है? तो फिकर क्यों, परेशानी क्यों? पर मैं कमी तो नहीं आती है कोई आपको सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर ऑफ हिमाचल विधानसभा, सबसे वरिष्ठ विधानसभा वरिष्ठ विधायक हूँ, हर पदों में मैंने काम किया, बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया होगा, पर मुख्यमंत्री वही होगा जिसको सोनिया गांधी का आशीर्वाद होगा। चुनावों से ठीक पहले कौल सिंह की कुर्सी छीनकर उन्हें जिस तरह से शक्तिविहीन कर दिया, ऐसा कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव से पहले ही कौल की संभावनाओं पर ब्रेक लगाकर वीरभद्र सिंह ने जो कांग्रेस हाईकमान को झुकाया है, उससे उन्होंने अपने सिर पर भी कांटों का ताज पहन लिया है। कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, अब यहाँ आने वाला टाइम है बताएगा इसके बारे में। तो बिल्कुल बढ़ पाएगी आगे उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो वाकई अच्छी पोजीशन में आएगी। अच्छा, हाँ, बड़ी खुशी की बात हुई, अच्छी बात है, मड़ी नहीं है, और भी बढ़िया भी था और भी अच्छा है। जैसे वीरभद्र जी है तो कांग्रेस पार्टी अच्छी है, सबको सब कुछ दे रही है, और हम तो कांग्रेस के ही है, शुरू से कांग्रेस के ही, जो 40 सालों से हम कांग्रेस को ही देखते आ रहे हैं, बाकी पार्टियों में पार्टियों ने हमें कुछ नहीं दिया है। इन पर आरोप लगे थे तो इनसे इन आरोपों का हमें क्या मतलब है? आरोप कोई हमारे सामने किए कि पब्लिक ने देखे, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में, हम वोट देंगे तो कांग्रेस को ही देंगे। वीरभद्र अच्छा नेता है और आगे भी कांग्रेस बढ़ेगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की 45 सीटें तो आएगी। वीरभद्र अभी जो है इनकी गवर्नमेंट आएगी, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, फुल पूरे बहुमत में आएंगे वो। क्यों लगता है आपको, कैसे लगता है ये? लगता है चेंजिंग होता है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट के इतने कोई डेवलपमेंट नहीं किया ज़्यादा, जैसे कि वही सेम चला हुआ है, हम चाहते हैं कि वीरभद्र द्वारा ही कुछ डेवलपमेंट करें अपने स्टेट का। सिर्फ फुटबॉल की हालत में पहुंच चुकी कांग्रेस व बस्त हो चुके कार्यकर्ताओं के हौसले को फिर से चरम पर लाना कोई आसान काम नहीं होगा, वह भी उस हालत में जब कौल की कुर्सी छीन लेने से बुरी तरह तमतमाए उनके समर्थक किसी भी हद तक जाने को तैयार। इसमें दो राय नहीं कि मंडी के सांसद वीरभद्र सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल से हट जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाना भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। मिशन रिपीट को तश्तरी में मानकर चल रही भाजपा को अब इसके लिए नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस को भी इसमें कम नुकसान नहीं होगा। हमारे लिए काम आसान होगा यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जिंग फ्रेम हो गए हो, जिसको केंद्र का मंत्री पद उनके कारण छोड़ना पड़ा हो,
उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ेंगे हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुद्दे फिर से जीवंत हो जाएंगे। नहीं तो लोग ये कहना शुरू कर दो तो बेचारा उसको करना पड़ा, सब प्रश्न उठेंगे फिर। मंडी के कुछ इलाकों में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। कौल सिंह को जिस तरह से आसमान से उतारकर जमीन पर पटक दिया गया है, कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और अब उनके समर्थक ऐसी हालत में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अंतर मन से कितना तैयार हो पाते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल में उनके प्रति जो आज जगह बनी है, और कांग्रेस पार्टी में ठाकुर कौल सिंह जी के प्रति जो आस्था है और सहानुभूति हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बनी है, उसे जो है ठाकुर कौल सिंह जी का कद बड़ा है और राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय तक जो है उनके कार्यकर्ताओं के दिल में वो जगह बनाएंगे। वीरभद्र के अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मगर इस तरह से अपने एक पुराने वफादार की विदाई वीरभद्र करेंगे, ऐसा कांग्रेसी जनों ने भी नहीं सोचा था। अब पूरे प्रदेश का राजनीतिक दृश्य पलट जाएगा। मंडी जिला की राजनीतिक तस्वीर भी बदली बदली नजर आएगी। कांग्रेस में एक तरफ राजनीतिक सन्नाटा है तो दूसरी तरफ उल्लास। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने चार्जशीट के आधार पर जांच की मांग की, जिस पर काफी हंगामा हुआ और फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि जब चार्जशीट राष्ट्रपति सौंपी गई है तो फिर जांच भी वहीं से होगी। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने दिल्ली में सौंपी अपनी चार्जशीट पर जांच को लेकर खूब हल्ला बोला और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने इस विषय पर शोर करना शुरू कर दिया और काफी देर तक सदन के भीतर हल्ला करने के बाद वो बाहर आ गए। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लिहाजा मौजूदा सरकार को तुरंत सत्ता त्याग देनी चाहिए और आरोपों की CBI जांच करवानी चाहिए। एक एक चीज का हम जगह बता सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ी चार्जशीट में सभी इश्यूज को दिया है। सरकार की नंगा कर दिया हमने ऊपर से नीचे तक, और इनको फिर भी शर्म नहीं है। फिर भी जितना भ्रष्टाचार उन्होंने क्या कभी आज तक जिंदगी में हमने नहीं देखा हिमाचल प्रदेश में। डिस्कशन मांग रहे, हम डिस्कशन नहीं, हमने कहा मुख्यमंत्री जी इससे क्यों नहीं देते, उन्होंने सारे लिखा है चप्पा चप्पा भाजपा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चप्पे चप्पे पर भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार है। हमने 5 विधानसभा के सदस्यों की कमेटी बनाई बाली की अध्यक्षता में, और एक बहुत बड़ी चार्जशीट और वेल डॉक्यूमेंटेड चार्जशीट तैयार की है। गवर्नर साहब को हम अपने महामहिम राष्ट्रपति को दी और उनसे भी अनुरोध किया कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी छानबीन होनी चाहिए। आज हमने भी विधानसभा में यही कहा, अगर धूमल साहब में हिम्मत है तो कहते हैं कि इस चार्जशीट को हम CBI को इंक्वायरी के लिए भेजते हैं, क्योंकि इनमें दम नहीं है। वरना ये खड़े होकर के बोलते थे, आता स्पीकर साहब ने कहा कि धूमल साहब बताइए आपने क्या बोलना है, तो इस पर तो धूमल साहब बोले नहीं। इस हो हल्ले को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस अपनी लड़ाई में नियम कायदे भूल रही है और उन्हें ये नहीं पता कि जब चार्जशीट राष्ट्रपति को सौंपी गई है तो फिर राज्य सरकार से जांच की बात कैसे की जा रही है। इस चार्जशीट को कांग्रेस के नेताओं ने ही सीरियसली नहीं लिया, उनसे लीक हो गई, और प्रेस के मित्र इस बात के गवाह हैं कि जब जब आपने पूछा कि चार्जशीट दे, कि उन्होंने तो कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा, कह चुके हैं पब्लिकली, अर्थात पब्लिकली कह दिया था इसलिए चार्जशीट देनी है, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी की गई। और ये केवल लोकायुक्त के में ही अविश्वास व्यक्त नहीं हुआ, महामहिम राज्यपाल में भी अविश्वास व्यक्त किया गया। अब राष्ट्रपति को दे रहे हैं चार्जशीट और स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी कराओ। दिस शोज द स्टेट ऑफ माइंड इन विच दे आर वर्किंग, हाउ मच कंफ्यूज दे आर। कुल मिलाकर सोमवार को कांग्रेस ने जो तस्वीर पेश की उसमें उसकी एक सप्ताह से पार्टी के भीतर चल रही उठापटक का असर देखने को नहीं मिला और लगा कि कांग्रेस एकजुट है। अब ये हाईकमान का डंडा है या फिर कुछ और, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। लिविंग रिलेशनशिप के तहत की गई शादियां कभी कामयाब नहीं होती। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग के पास कुछ ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। महिला आयोग ने हिमाचल वासियों को पश्चिम की इस सभ्यता से दूर रहने की नसीहत दी है। सोमवार को मंडी में राज्य महिला आयोग द्वारा अदालत लगाई गई। इस अदालत में जिला भर से आए 26 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से अधिकतर मामलों को मौके पर ही निपटाने का प्रयास किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा धनेश्वरी ठाकुर ने बताया कि उनका प्रयास सभी मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का रहता है, ताकि बात आगे न बढ़ सके। धनेश्वरी ठाकुर ने बताया कि पारिवारिक झगड़ों के 50% मामलों को सुलझा लिया जाता है। उन्होंने हिमाचल में चल रहे लिविंग रिलेशनशिप पर खुलासा करते हुए बताया कि राज्य में इसके तहत हो रही शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं। तो शिमला में तो मैं कहती हूँ शिमला में भी हमारे पास लिविंग रिलेशनशिप के मामले आए, और कल हमारे यहाँ कुल्लू में भी 25 तारीख को जब हमारे कुल्लू में एक अदालत लगाई तो कुल्लू का भी एक इस तरह का केस था। और इन केसेस में क्या होता है कि ये जो है शादी भी करते हैं तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होती है। तो कुल्लू का मामला तो मुझे बहुत शर्म भी आई कि वो जो 25 साल के लड़का और लड़की 15 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो 10वीं में पढ़ते थे, और आज कोर्ट में शादी कर लिया, वो लड़का कहता मुझे इससे लेना देना नहीं है। तो ऐसी लड़कियां जो बड़ा धोखा खा रही हैं और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गौर है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश भी काफी मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के जिन तौर तरीकों को यहाँ के युवा अपना रहे हैं वो उनके लिए एक तरफ से परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। महिला आयोग की अध्यक्षा ने जनता से आह्वान किया है कि वह इन पहलुओं पर जरा सोच समझ कर ही कोई निर्णय ले। आगे बढ़ना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी ना हो कि हम जो पश्चिम की सभ्यता उसको अपनाए जा रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप जैसे मामले, और जिससे कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हमारी जो खिल्ली उड़ रही है और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से आज निवेदन करना चाहूँगी, आज के हमारे जो नौजवान पीढ़ी है आगे बढ़े, अच्छे ढंग से अपने आप को मर्यादा में रहते हुए हर तरह से अपना सब काम करें, लेकिन मर्यादा से हटकर जब जाते हैं तो उस समाज का क्या दुर्दशा होगी ये हम और आप सब जानते हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप के मामले बहुत आ रहे हैं। याद रहे कि लिविंग रिलेशनशिप को भारत में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके तहत बर्बाद हो रही जिंदगियों के खुलासे के बाद इस बात को कहने में कोई शंका या गुरेज नहीं होना चाहिए कि राज्य में ऐसे रिश्ते चल पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर रुपीज 11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर रुपीज 7,950 एंड गेट बजाज JMG फ्री। बाय VIP और सफारी और अमेरिकन टूरिस्टर एंड गेट 50% ऑफ ऑन योर ओल्ड लगेज। For more schemes, please visit Guru Kirpa, 18/12, Ramnagar Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं।
डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। छात्र संगठनों ने चुनावों में जीत दर्ज करा ली है और अब बारी जीत का जश्न मनाने की है। मंडी कॉलेज में लगातार 12वीं बार जीत का परचम लहराने वाली एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में जीत का जश्न मनाया। विद्यार्थी परिषद की तरफ से कॉलेज में मिठाइयां बांटी गई और उपरांत इसके डीजे का इंतजाम करके मौज मस्ती की गई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर ठुमके लगाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल 3 अगस्त को छात्र संघ चुनाव में पूरे पैनल विजयी हुआ, जिसके लिए हमने सुबह कॉलेज गेट पे खड़े होके मिठाइयाँ बांटी। कॉलेज में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद कॉलेज में, कॉलेज परिसर में ही डीजे का प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने भाग लेके डीजे की धुनों पे खूब थिरके। साइगल स्कूल में जारी साइगल खंड की खेलकूद प्रतियोगिताएं बीते रोज संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हेमराज पठानिया ने की। साइगलों में आयोजित हुई इन प्रतियोगिताओं में साइगल खंड के विभिन्न स्कूलों से आए 350 खिलाड़ियों ने कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हेमराज पठानिया ने बच्चों से खेलों के साथ ही पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देने को कहा। जब भी किसी व्यक्ति की कोई विशेष जगह कहीं बनती है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। तो मेरा बच्चों से भी ये आग्रह रहेगा कि खेलों के साथ साथ आपको पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का मूल आधार है। शिक्षा के बगैर व्यक्ति अधूरा है। जहां खेले अति आवश्यक है, वही शिक्षा भी मूल आधार है, तो दोनों का समावेश होना जरूरी है। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलैल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने यह सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल।
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में अब आप गुरु गोविंद सिंह जी के समय में हस्तलिखित गुरु ग्रंथ के दर्शन भी कर सकते हैं। यह ग्रंथ सिख समुदाय को मंडी रियासत के राजमहल से प्राप्त हुआ है, जिसे दुरुस्त करने के बाद गुरुद्वारे में दर्शनों के लिए रख दिया गया है। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का महत्व अब और भी बढ़ गया है। विदित है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1701 ईस्वी को मंडी में रहकर मंडी की रक्षा का वचन दिया था। जब गुरु गोविंद जी यहां से गए थे तो उनकी पलंग, तलाई, रवाब, राइफल और बारूद भरने की कूपी यहीं छोड़ गए थे। गुरु महाराज की इन धरोहरों को मंडी के राज परिवार ने संभाल कर रखा था, जिसे बाद में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के हवाले कर दिया गया था। अब राजमहल में गुरु गोविंद सिंह जी के समय का हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा मंडी में सुशोभित किया गया है, जिसका प्रथम प्रकाश रविवार की शाम को किया गया। जिथे पांच चीजां दियां संगतां दर्शन करदियां ने, उत्थे गुरु महाराज दे समय दा हथ लिखित स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी संपूर्ण बाणी, इस दे विच राग माला, विचार माला ते शाही बनाउण दी विधि, जपजी साहिब तों लै के राग माला तक संपूर्ण गुरबाणी लिखी हुई है। हथ लिखित बहुत प्यार नाल कीती गई है और इहदी हुण दे टाइम विच 2010 तों लै के हुण दे 2012 तक चली हुई मेहनत सरदार प्रीतम सिंह जी दिल्ली निवासी ते उहनां दे समुचे परिवार ने इस सरूप दी जो कि रिपेयर होण दा कारज सी उह सेवा करवाई है। ये सतगुरु जी के समय तो ही करीब 312 साल पुरातन स्वरूप जो राजमहलों में प्राप्त होया सी, ये भी सारिया वस्तुआं महाराज दिया राजमहलों में सन ते नाल ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप भी राजमहलों में प्राप्त होया सी। उचित देखभाल न होने के कारण 312 साल पुराने इस गुरु ग्रंथ साहिब की काफ़ी दयनीय हालत हो गई थी। इसे दोबारा से स्वरूप देने के लिए 19 महीनों का समय लगा। दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा इस प्राचीन गुरु ग्रंथ को जिल्द लगाने के साथ ही लेमिनेट भी किया गया। रमेश कुमार जी ने इत्थे साडे कोल विचों छुट्टी भी जांदे सन, 19 महीने का समा इहदी रिपेयर करन ते लगाया। हुण भी करीब इहनूं 3 महीने का समा हो गया जदों जिल्द बनन वास्ते गया। इस दे थल्ले वाली बनतर नूं दोबारा उत्थे दिल्ली विखे होर कागज़ लगा के जिल्द दे विच देण वास्ते सारा स्वरूप जिस तरह बिल्कुल प्रकाश हो जाता है ते दोबारा कागज़ लगा के इस दी रिपेयर कीती गई। दिल्ली से पहली बार मंडी लाए गए इस प्राचीन गुरु ग्रंथ का स्वागत मंडी की संगतों ने बिलासपुर और सुंदरनगर जाकर बड़े ही जोश और उत्साह के साथ किया। भव्य नगर कीर्तन के साथ गुरु ग्रंथ को मंडी के गुरुद्वारे में लाकर स्थापित किया गया है, जहाँ पर आप इसके दर्शन करने के लिए कभी भी जा सकते हैं। रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।